नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइंस। स्थानीय पहल चरण के चुनाव अंतर्गत के मत परिणाम क्रम जारी। एमाले के अग्रता कायम है, नेपाली कांग्रेस दोसर, माओवादी केन्द्र तेसर। मतगणना में भ रहा देरी प्रति आम मतदाता सब आक्रोशित। देरी भेनाई में निर्वाचन आयोग के गैर जिम्मेवारी बन रहा टिप्पणी। बदर मत के अनुपात बढ़नाई में आयोग मात्र दोषी नहीं रहा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोध्या प्रसाद यादव के कहब। आगामी चुनाव घुसकावर, राजपा नेपालक नेता सबके ने प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अस्वीकार। संशोधन आ स्थानीय तह पर राजपा के ध्यानाकर्षण। आ सप्तरी घटनाक मृतक सबके शहीद घोषणा कल गया, प्रति परिवार के 10 लाख रुपया वितरण। आप समाचार विस्तार से। स्थानीय तह पहल चरण के चुनाव अंतर्गत के मतगणना जारी है। मत परिणाम समेत धमाधम आबि रहल अछि। बैसाख 31 गते सम्पन्न भेल प्रथम चरण के चुनाव के अंतिम परिणाम समेत एखन आब और 4-5 दिन लागत। एखन धरि के नतीजा देखल जाए तो नेकपा एमाले पहिल स्थान पर, कांग्रेस दोसर स्थान में आ नेकपा माओवादी केन्द्र तेसर स्थान में अछि। नेकपा एमाले एखन धरि 49 स्थान में जीत दर्ज कलेने अछि तो नेपाली कांग्रेस 42 स्थान में जीत दर्ज कलेने अछि। तहिना माओवादी केन्द्र एखन धरि 21 स्थान में जीत लेने अछि। तहिना के राप्रपा आ नया शक्ति समेत आब खाता खोल लेने अछि। राप्रपा एकटा गांव पालिका में आ नया शक्ति समेत एकटा गांव पालिका में अपन जीत दर्ज का खाता खोलने अछि। पहिल चरण के चुनाव अंतर्गत रवि दिन 3 प्रदेश के 34 जिला में मतदान भेल छल। रवि दिन 3, 4 आ 6 प्रदेश के 4 महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका, 92 नगरपालिका आ 186 गांव पालिका प्रतिनिधि, नगर प्रमुख, गांव पालिका प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष का 281 आ वही संख्या में उप प्रमुख व उपाध्यक्ष चयन के लिए मतदान भेल छल। दर्शकवृंद, अपने सबके आप जानकारी कराबी, 4 महानगरपालिका देश के, जेकर अही 3 प्रदेश में चुनाव भेल छे। आई 3 प्रदेश में 4 महानगरपालिका पड़े छे। देश के 4 महानगरपालिका में देशे भर के जनता के चाँक छे जे वही 4 नगरपालिका में के जीते। एखन धर के मत परिणाम देखल जाए तो 4 महानगरपालिका में नेपाली कांग्रेस आगा छे। सबसे पहले बात करी काठमांडू के। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर के लेल एखन एमाले के उम्मीदवार विद्या सुंदर शाक्य सबसे आगू छथि, 1728 मत प्राप्त करे छथि। दोसर स्थान में नेपाली कांग्रेस के राजू राज जोशी 1103 मत प्राप्त कर दोसर स्थान में छथि। तेना तेसर स्थान में एकदमे युवा 21 वर्ष के मात्र उम्मीदवार विवेकशील पार्टी के रंजू दर्शना 847 मत प्राप्त कर तेसर स्थान में छथि। तेना चारिम स्थान में साझा पार्टी के उम्मीदवार किशोर थापा, हुनकर 657 मत प्राप्त कयने छथिन आ चारिम स्थान में छथिन। तहिना पाँचम स्थान में माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार 206 मत प्राप्त कयने छथिन सर्वोत्तम डंगुल आ पाँचम स्थान में छथिन। तहिना छठा स्थान में नया शक्ति आ फोरम के सजिया उम्मीदवार पवित्र बज्राचार्य जे अखन धरि मात्र 18 मत प्राप्त कयने छथिन। आ बात करब ललितपुर महानगर पालिका। ललितपुर महानगर पालिका में समेत प्रतिस्पर्धा। तहिना बात करी ललितपुर महानगर पालिका के। ललितपुर महानगर पालिका में समेत नेकपा एमाले अग्रस्थान में अछि। नेकपा एमाले के उम्मीदवार हरिकृष्ण व्यंजनकार 92 से 78 मत प्राप्त कयने अछि। माफ कयल जाए, ललितपुर महानगर पालिका में अखन देखल जाए तो नेपाली कांग्रेस के चिनी बाबू महर्जन आगू देखल गेल छथि, 94 से 32 मत प्राप्त कयने छथिन। तहिना दोसर स्थान में नेकपा एमाले के हरिकृष्ण व्यंजनकार 92 से 78 मत प्राप्त कयने छथिन। तेसर स्थान में नेकपा माओवादी केन्द्र के दिनेश महर्जन 13 से 52 मत प्राप्त कयने छथिन। तेसर स्थान में ललितपुर महानगर पालिका में माओवादी से ऊपर छे अखन साझा पार्टी के रमेश महर्जन 38 से 47 मत प्राप्त कयने छथिन। माओवादी केन्द्र चारिम स्थान में जे मात्र 13 से 52 मत प्राप्त कयने छथिन। आ पाँचम स्थान में मदन महर्जन जे नया शक्ति आ फोरम के सजिया उम्मीदवार 108 मत प्राप्त कयने छथिन। आ बात करब चितवन के भरतपुर महानगर पालिका, जत माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल के सुपुत्री चुनाव लड़ छलखिन। उनका नेपाली कांग्रेस समेत अपन उम्मीदवार नहीं उठा कर समर्थन कयने रहे मेयर में। ओत एखन धरि देखल जाए तो 1500 वोट से पाछू पड़ल से प्रधानमंत्री दाहाल के पुत्री रेणु दाहाल
आ उपमेयर में कांग्रेस के समेत आगा होबो चाहिए, मुदा उपमेयर में समेत कांग्रेस के उम्मीदवार पाछा छे। एखन के मत परिणाम अनुसार भरतपुर महानगर पालिका में नेकपा मालिक देवी गेवाली 44 से 46 मत प्राप्त केने छथि। नेकपा माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार प्रधानमंत्री पुत्री रेणु दहाल मात्र 27 से 33 मत प्राप्त केने छथिन। अब तक के दूरी आ बेसी बढ़ रहल छै आ एमाले के संभावना ऊपर जा रहल छै। तेना तेसर स्थान में राप्रपा के उम्मीदवार बद्री तिमल सिन्हा 164 मत प्राप्त केने छथि भरतपुर महानगर पालिका में। आ चारिम स्थान में नया शक्ति पार्टी आ फोरम नेपाल के सजिया उम्मीदवार सूर्य प्रसाद तिमल सिन्हा जे अखन धरि मात्र 5 मत प्राप्त केने छथि। चारिम महानगर पालिका पोखरा में समेत एमाले के अग्रता जारी है, मुदा प्रतिस्पर्धा बहुत घनघोर आ कड़ा बहुत कम से पाछू छै। नेपाली कांग्रेस एखन नेकपा मालिक मान बहादुर जीसी 56 से 86 मत प्राप्त कर अग्रस्त स्थान में छै। कांग्रेस के रामजी कुंवर 54 से 89 मत प्राप्त कर दोसर स्थान में। तेना तेसर स्थान में नया शक्ति पार्टी नेपाल आ फोरम नेपाल के सजिया उम्मीदवार हुम बहादुर तमु 224 मत प्राप्त कर तेसर स्थान में। राप्रपा के उम्मीदवार गीता गुरुंग 128 मत प्राप्त कर चारिम स्थान में देखल जा रहा है। कुल मिलाकर देखल जाए तो एमाले चारू महानगर पालिका में संभावना के साथ आगाड़ी बढ़ रहा है। ललितपुर में आ पोखरा में कनिके के मात्र अंतर छै, ते दुआरे ओतः कुछ भ सके, मुदा भरतपुर में एमाले बहुत 1500 मत के साथ आगा बढ़ गेल छै। त काठमांडू में समेत प्रतिस्पर्धा करा छै। काठमांडू महानगर पालिका के मतगणना समय जारी है। महानगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के मतगणना संपन्न भेल है। वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष में भरतलाल श्रेष्ठ नेकपा एमाले, सदस्य सब में रसल्ला तंडुकार नेकपा एमाले, अशोक कुमार बाड़ा नेकपा एमाले, राजकुमार श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस आ मीना सुनार दलित नेपाली कांग्रेस से विजय भेल है। वार्ड नंबर 1 के नतीजा सार्वजनिक भेलक ते मतगणना स्थल राष्ट्रीय सभा गृह आगू उम्मीदवार के समर्थक परिवारजन लगायत सब बाजा गजा सहित के विजय उत्सव मनाने छलैत। काठमांडू महानगरपालिकाक मतगणना सोम दिन से शुरू कयल गेल छल। मतगणना के पछिलका परिणाम में महानगरपालिका के मेयर में एमाले के विद्या सुंदर शाक्य अग्रपंक्ति में एखनो देखल गेल अछि। तहिना दोसर में नेपाली कांग्रेस, तेसर में विवेकशील, चारे में सजिया पार्टी आ पांचम में माओवादी केन्द्र। काठमांडू महानगरपालिका अंतर्गत 35 वार्ड सब अछि। स्थानीय तह चुनाव के पहिल चरण अंतर्गत रवि दिन प्रदेश नंबर 3, 4 और 6 में मतदान भेल छल। काठमांडू जिला में काठमांडू महानगरपालिका सहित गोकर्णेश्वर, शंखरापुर, कागेश्वरी, बुढ़ा नीलकंठ, तारकेश्वर, नागार्जुन, चंदागिरी, कीर्तिपुर, दक्षिण काली, टोखा नगर पालिका का 11 स्थानीय तह सब। भक्तपुर जिला के चागुनराय नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 6 के ख मतदान केंद्र नगर कोट साबिक के गांव सब भवन में मतदान भ रहा है। वैशाख 30 गते के दिन वही केंद्र में नेमकिपाक चुनाव चिन्ह महादल नहीं देखल गेला के बाद मतपत्र सचिव के मांग करते नेमकिपा चुनाव रद्द कर प्रभाग आवाज उठौने छल। चुनाव चिन्ह मतपत्र में नहीं देखल गेला के बाद मतदान रोकल गेल छल। वही विषय के विवाद भेला के बाद चुनाव निर्वाचन केंद्र में बुध दिन फिर से मतदान कयल गेल। भोर में 7 बजे से शुरू भेल मतदान सांझ में 5 बजे भेल। मतदान संपन्न भेल लगते सागुनराय नगर पालिका के मतगणना फिर से शुरू कयल गेल। अन्य 3 नगर पालिका के मतगणना जारी है। 161,529 मतदाता संख्या रहल भक्तपुर जिला में। सूर्य विनायक भक्तपुर, चागु नारायण आ मध्यपुर ठिमी का 4 स्थानीय तह सब। सूर्य विनायक नगर पालिका में 10, भक्तपुर नगर पालिका में 10, चागु नारायण नगर पालिका में 9 आ मध्यपुर ठिमी नगर पालिका में 9 वार्ड सब। मतगणना में भ रहल देरी प्रति आम मतदाता सब आक्रोश व्यक्त करे लागल। मतगणना कछुआ गति में भ रहला के बाद कार्यकर्ता आम जनता में आम मतदाता में समेत मत परिणाम के लकर उत्साह आ जागर से बेसी निराशा देखल गेल। मतगणना में देरी भेनाई के ओ सब निर्वाचन आयोग के गैर जिम्मेवारीपन टिप्पणी कलन। स्थानीय तह के चुनाव में मतदान के लिए मतदाता में देखल गेल उत्साह मत परिणाम अयबाक बेर में धैर्य कायम रहत कि नहीं रहत ओ बहुते
बात सब के लख आयोग के आब मतदाता सब दोषी देखाब लागल मतगणना में देरी भेला के बाद अत्यंत जिज्ञासा के साथ काठमांडू महानगर पालिका के मतगणना स्थल राष्ट्रीय सभा गृह सुनसान आब भ रहल है। मतगणना स्थल लगपास उम्मीदवार के प्रतिनिधि आ संचारकर्मी मात्र आब देख में अबैत है। गणना में देरी भेला के बाद आम जनता सब दोसर चरण के चुनाव के बाद मात्र परिणाम आओत की कह के समेत व्यंग प्रहार कर लागल है। स्वाभाविक रूपले जाने अगाडि बढ्ने कुरा हो नि त, ठाउँको अभाव छ, ठाउँलाई चाहिँ व्यवस्थापन अब म्यान पावरको चाहिँ कुराहरू हो र यसलाई चाहिँ म्यानुअल्ली गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूकै अभाव हो, किनभने रातभरि एउटै काम एउटै मान्छेले गर्न सक्दैन, दिउँसोभरि पनि गर्न सक्दैन, त्यसको लागि सिफ्ट वाइज चाहिँ गऱ्यो भने लगभग चाहिँ चाँडै हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 65% मत फर्स्टै गर्दा 65% मत पनि गणना गर्ने क्रममा एक वडाको जम्मा 24 मत गणना गर्नलाई 3 दिन लाग्छ भने बाँकी त्यत्र 65% मत 3 लाख लगभग 3 लाख को 65% मत फस्टलाई गणना गर्न कति दिन लाग्ला त, यो मान्छेहरूले अहिले क्यालकुलेसन गरेका छन् कि अब अर्को दोस्रो चरणको चाहिँ निर्वाचन 31 गते हुँदैछ, कमसे कम त्यसपछि मात्रै पो रिजल्ट आउने हो कि भनेर यो त निर्वाचन आयोगप्रति चाहिँ व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहेका छन्। मतगणना भइरहेछ नि, यो पुरानो शैली अनुसारको भएको छ, जुन यो अहिले 21औं शताब्दीलाई सुहाउने खालको छैन, जुन यो 16औं शताब्दी पाराको जस्तो भइरहेछ। निर्वाचन आयोग मतपत्र नम्हर भेल आ एकटा मतपत्र सँ 7 गोटे जनप्रतिनिधि पौने मत गणना प्रभाक कारण किछ देरी भ रहल धारणा रखलक अछि। एम्हर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव बदर मत के अनुपात बढ़ल में आयोग मात्र दोषी नहीं भेल जिकिर कयलनि अछि। विशेष चुनाव के लेल विशेष शिक्षा के आवश्यकता पड़त कहेतु मतदाता शिक्षा के कमी से बदर मत के संख्या बढ़ल गेल कहर नै मिलत तर्क रखलेने छ। दल विशेष देवबला मतदाता शिक्षा में राजनीति समेत घुस गेल आ ओहने भ रहल कहित हो बदर मत के संख्या बढ़नाय के अन्य बहुते कारण सब रहल उल्लेख कयलनि अछि। बुद्धि राजधानी में निर्वाचन पर्यवेक्षण के ने गैर सरकारी संस्था सब के ने कार्यक्रम में बजत हो आयोग आ सरकार के मात्र दोष नहीं दक स्वयं सब समेत काम क के देखाब ओ संस्था सब के चुनौती देने अछि। निर्वाचन पर्यवेक्षण करे वाला अनुमति लेने संघ संस्था सब पूर्व निर्वाचन आयुक्त लगायत आयोग के मतदाता शिक्षा सूचना में मात्र सीमित भेला से बदर मत के संख्या बढ़ रहल कह रहल बेर में प्रमुख आयुक्त यादव आयोग मात्र ओकर दोषी नहीं रहल दावी कर लेने छे। बदर को प्रतिशत को संभावना छ अलि बढ्छ र आगामी दिन में इसलिए अब कसरी कम करने भन्ने कुरा में हामी सबै सचेत छौं। मतदाता शिक्षा को लागि हामीले कसैले रोकेका छैन, मतदाता शिक्षा गर्नलाई सबै एनजीओ आइएनजीओ प्रवेश संस्थाहरूले आफ्ना ठाउँबाट गरिराखेकै छन्, तर विशेष किसिमको निर्वाचनको लागि विशेष किसिमको शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस कारण प्रवेश र एनजिओ संस्थाहरूले पनि शिक्षा दिन जाँदाखेरि कुन दिशामा दिने, कसरी दिने, कुन कमिटीले दिने जस्ता कुराहरूलाई कोर्डिनेसन गरेर निर्वाचन आयोगसँग जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। काठमाडौँको टर्नआउट लो हुन्छ, अरू क्षेत्रको भने हुम्लाको टर्नआउट हाई हुन्छ, काठमाडौँको लो हुन्छ, यो अलग कुरा हो। तर के भने आम मतदाताहरूको कुरा गर्ने हो भने यो मतदामा यो प्रतिशत डेफिनेट अलिकति इन्भ्यालिडको रेट छ, त्यो इन्भ्यालिड रेट हुने कारणमा लिट्रेसी मात्रै होइन त्यसको अन्य कारणहरू पनि। मतगणना में देरी भ रहल कहित सर्वत्र आयोग के आलोचना भ रहल बेर में प्रमुख आयुक्त यादव परिणाम जल्दी आबज का गणना के व्यवस्था कैल गेल जानकारी दिलन। ओ किछ कानूनी जटिलता आ व्यवस्थापक के बाध्यता के कारण मतगणना के विषय में प्रत्यक्ष रूप में निर्देशन देब नहीं मिलत भेल रहितो। गणना करे वाला स्थान वृद्धि क परिणाम जल्दी सार्वजनिक कर सब निर्वाचन अधिकृत के निर्देशन देल गेल धारणा रखलेने छ। उम्मीदवार नहीं भेल स्थान के मतपत्र में समेत दल के चुनाव चिन्ह राय का अनावश्यक रूप में मतपत्र के आकार नम्हर बनाओल गेल संदर्भ में प्रमुख आयुक्त यादव अपना सब के बाध्यता भेल टिप्पणी के लेने छ। डेस्क त्यहाँ कन्टेन्ट डेस्क छ, यसरी त्यो डेस्क बढाएर हामीले मतगणना गर्ने काम पनि सुरु गर्न गइराखेका छौँ, छिटै हुन्छ र त्यो बाध्यता हो। अब त्यो अधिकार पनि कस्तो छ भने मतगणना गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगको आफ्नो, हालाकि हामीले अधिकार छ आदेश जारी गर्ने, तर आदेश जारी गर्दाखेरि त्यो फेरि अनि ठाउँ हुन जान्छ भने मत पेटिका निर्वाचन अधिकृतले प्राप्त गरिसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको मिति समय स्थान तोक्नेछ, त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिन्छ। त मत निर्वाचन अधिकृतलाई
सहज सरल र विश्वसनीय ढंगबाट मतगणना गर्ने अधिकार उहाँको छ। उहाँले गर्ने काममा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन कानून अनुसार। हामीले साधन स्रोत जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो, त्यसको लागि हामीले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई श्रीमानहरूलाई माननीयजीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ कि तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी काउन्टिङ डेस्क राखिदिनुहोस्। हामीले जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौँ, साधन स्रोत वित्तीय सहयोग जति जे हुन्छ हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले यो कुरालाई अहिलेको आवश्यकता जुन छ माग छ त्यसलाई छिटो पुरा गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। प्रारम्भिक मत परिणाममा शहरी क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको मत 10% हाराहारीमा बद्दर देखल जा रहल छ। मतपत्र नम्बर, स्वस्तिक छापा, मतपत्रको रङ ओहने लगायतका कारणसँग समेत मतगणनामा देरी भ रहल कहित आयोगको आलोचना भ रहल छ। स्थानीय तह चुनावमा एखन धरि कोनो समेत गाउँ आ नगरमा जित नै सकल। चारै दल राप्रपा धादिङमा जितक खाता खोल्लक छ। धादिङके रुबी भ्याली गाउँपालिकामा राप्रपाके उम्मेदवार अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुनू पद में विजय भेल। रूबी भ्याली में राप्रपा के पेरुंग तामांग 1484 मत के साथ विजय भेल। निकटतम प्रतिद्वंदी माओवादी केन्द्र के राम सिंह तामांग 953 मत प्राप्त कलन। तेना उपाध्यक्ष में राप्रपा के मीना तामांग 1409 मत के साथ विजय भेली। माओवादी के अमृता तामांग 972 मत लाभ के पराजित भेली। राप्रपा एखन धरि गांव पालिका जितने रूबी भ्याली मात्र है। अभी बीच नया शक्ति पार्टी समेत स्थानीय तह के चुनाव में खाता खोल है। नया शक्ति के बुरचुंग तमांग रसुआ के पार्वती कुंड गांव पालिका में अध्यक्ष पद में निर्वाचित भेल। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल स्थानीय तह के दोसर चरण के चुनाव के लिए वातावरण नहीं बनल कहित सत्तारूढ़ दल के ध्यान आकर्षण करौलक। बुध दिन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस के नेता सब संगे भेट कर राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्यगण निर्वाचन के लिए आवश्यक वातावरण बनन नहीं सकल कहित वही दिश गंभीर ध्यान आकर्षण करौलक। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल में भेल छलफल में राजपा नेपाल जनसंख्या के आधार में स्थानीय तह के संख्या वृद्धि कर प्रभाग तथा व्यवस्थापिका संसद में छलफल के क्रम में रहल संविधान संशोधन विधेयक पास कराकर चुनाव के वातावरण बनाब कहने। राजपा अपन कार्यकर्ता ऊपर लगाओल गेल मुद्दा फिरता, चुनाव चिन्ह लगाये समस्या समाधान नहीं कल गेल तो बाकी रहल प्रदेश में स्थानीय तह के चुनाव होब निशकवाक चेतावनी फेर से दिलक। वातावरण बनेन भने मधेसमा निर्वाचन हुन सक्दैन। जस्ट एक्टिजसको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुँदैन यो अवस्थामा। त्यसको लागि संविधान संशोधन जुन सहमति भएको छ त्यो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। गाउँपालिका नगरपालिकाको संख्या जनसङ्ख्याको आधारमा झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म चारवटा प्रदेशमा जहाँ जहाँ बढ्नुपर्ने हो बढाउनु पर्यो, मुद्दा मामला फिर्ता गर्नु पर्यो लगायतका कुराहरू सरकारले गर्नु पर्यो। अनि निर्वाचनको वातावरण बन्छ, वातावरण बनाइएन भने यो निर्वाचन जुन निश्चित गरिएको त्यो हुन सक्दैन। त्यो ध्यान आकर्षण गराउन आएको थियो, गराइयो। नेपाली कंग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल व्यवस्थापिका संसदमा छलफलमा रहल संविधान संशोधन विधेयक पास गर दुई तिहाई संख्या पहुँचेबाक तथा आगामी जेठ 31 गते होब लागल स्थानीय तह के दोसर चरण के चुनाव में सहभागी होबाक सम्बन्धमा राजपाक नेता सबसँगै बातचीत भेल धारणा रखने। नेता पौडेल स्थानीय तह के संख्या बढ़ावक संबंध में काम भ रहल सहित घोषणा करबाक काम समेत भेल तथा चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराब आ संविधान संशोधन विधेयक पास कराबक लेल दू तिहाई बहुमत जुटाबक संबंध में प्रयास जारी रहला सँ चुनाव में सहभागी भक अगाड़ी बढ़ राजपाक नेता सब के आग्रह कयने छलथि। फेरि पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ ती कुराहरूको सम्बोधन हामी गर्दै जान्छौँ गर्छौँ र यो संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि एउटा टुङ्ग्याउने प्रयासमा हामी लाग्ने र भोलि अरू त्यो त्यसको दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनको लागि आवश्यक पार्टीहरूसँग कुरा पनि गर्ने र चुनावमा जाने अब सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा पनि काम हुँदैछ। अरू पनि कुराहरूमा चाहिँ यो सहित घोषणा गर्ने काम पनि भइरहेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ नि उनीहरूको चुनाव चिन्ह दिने सम्बन्धमा पनि चुनाव चिन्ह दिने सम्बन्धमा पनि निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेर उहाँहरूलाई चुनाव चिन्ह दिलाउने कुराहरू पनि गर्ने भनेर यिनै कुराहरू भएका छन्। नेता पौडेल संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जुटेबाक प्रयास स्वरूप बृहस्पति दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेता सबसँगै छलफल गर्बाक कार्यक्रम रहल समेत बतौलनि।
एम्हर सप्तरी के मलेट में पुलिस के गोली लागि के मृत्यु भेल पांच गोटे के सरकार शहीद घोषणा कर देने अछि। उपप्रधान एवं गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि बुध दिन सप्तरी सदर मुकाम राजविराज में आयोजित एक कार्यक्रम में मलेट घटना में मृत्यु भेल पांच गोटे के शहीद घोषणा कयल गेल जानकारी देलनि अछि। गत फागुन 23 गते नेकपा एमाले के मेची महाकाली अभियान अंतर्गत सप्तरी के मलेट में आयोजित कार्यक्रम स्थल नजदीक झड़प भेला से पुलिस के गोली लागि के पांच गोटे के मृत्यु भेल छल। मृत्यु भेनिहार में सप्तरी मलेट के रंजन संजन मेहता, पीताम्बर मंडल आ वीरेन्द्र महतो, प्रसौनी के आनंद शाह आ जमुनी मधेपुरा के इंद्रदेव यादव छला। गृहमंत्री निधि शहीद के परिवार के प्रति परिवार 10 लाख के दर से राहत रकम समेत वितरण कल क्रम में मंत्री निधि मलेट घटना छानबीन कर पुनरावेदन अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अली अकबर मिकरानी के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग गठन कयल गेल समेत जानकारी कराने छला। 6 मधेश केन्द्रित दल से मिलकर बनल राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के धनुषा संयोजक के बनब ए विषय में विवाद आ बहस शुरू भेल। एक रिपोर्ट। 6 टा विभिन्न मधेश केन्द्रित दल सब एकटा पार्टी में आबद्ध भ पार्टी एकता कला के बाद मधेशी जनता आ मधेश में किछ उत्साह बढ़त जा रहल छल। मुदा किछ महीना नहीं बीतते 6 मधेश केन्द्रित दल सब मिलकर बनल राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के जिला संयोजक के बनब कहकर विवाद होबय लागल अछि। पार्टी एकीकरण के बाद केन्द्र में अध्यक्ष मंडलीय प्रणाली लगाकर उमेर पार्टी आ अनुभव के हिसाब से केन्द्र में अध्यक्ष मंडल के संयोजक तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर के बनाओल गेल रहितो जिला जिला में पार्टी के संयोजक बन के अपन अपन होड़बाजी चलला के बाद एखन विवाद देखल जा रहल अछि। पार्टी एकीकरण होबय बेर में धनुषा में मोर्चाक तत्कालीन अध्यक्ष फोरम गणतांत्रिक धनुषाक अध्यक्ष प्रमोद यादव छला। मुदा आब धनुषाक संयोजक के बनत ई विषय में बहस संगे विवाद समेत बढ़ गेल अछि। कारण अछि जे 26 दल के जिला अध्यक्ष सब स्वयं संयोजक बनय परबाक अपन अपन दावी कर रहल छथि। एखन संयोजक बनल गेल त आर्थिक वर्ष के महीना असार के समेत आ स्थानीय चुनाव दुनू के नेतृत्व कर पेबाक अवसर भेला से राजपा धनसा में विवाद देखल गेल। पार्टी के एगोटे नेत्री के बात से स्पष्ट होइत अछि। अब हमरा सब के नजर में तो एकटा बुझाइए जे 6 अध्यक्ष आ 6 पार्टी में छलखिन त 6 गोटा मिल के जाय छलखिन जिला विकास में। अब अखन बजट के बाँट फाँट होइ छै त हमर विचार से ओ गिद्ध आ माउस के जका लड़ाई करय चाहै छथिन जे एक गोटे रहब त सब गोटे के नहीं भेटत तै दुआरे, लेकिन कदापि हम सब ई काज नहीं होबय देबन। नेत्री रेणु केहुना केहुना एक भेल पार्टी में विवाद होबय नहीं देव कहैत 6 टा पार्टी के जिला अध्यक्ष सब सहमति में पहुँच नहीं सकलक त कोनो महिला के संयोजक बनाकर विवाद समाधान क देबाक धारणा रखे छथि। हमर मंतव्य के क्रम छलिए ओहिमे कहलिए तो 6 अध्यक्ष जी के साइड कैल जाए आ कोनो महिला के बनाएल जाए। आब ककरो ओहन नहीं चलते। 6 टा पार्टी जहिना जुटले है तहिना हम सब जनता से रिक्वेस्ट करबन जो सब धैर्य धारण करत आ ई 6 टा अध्यक्ष यदि अपना में नहीं निर्णय लेलखिन त काल खन हम सब एकर उपाय क के एकटा महिला के बना देबे। मंगल दिन पार्टी के केंद्रीय नेता लोकन समेत उपस्थित जनकपुर के एकटा बैसार में बजत पार्टी के केंद्रीय नेता सब समेत जल्दीए केंद्र में विधान के पूर्णता देल जेबाक काम भ रहला से एकता बद्ध भ क अगाड़ी बढ़ पड़बाक धारणा रखने अछि। कार्यदल बनल छलै जे कार्यदल में विगत के 6 पार्टी के किछ किछ लोक सब माने एक आदमी छलखिन और एक आदमी सहयोगी माने दुई आदमी क जाय छलखिन हुनका सब के जे छै विधान बनाबक रहै और घोषणा पत्र बनाबक रहै त विधान और घोषणा पत्र कार्यदल काल खनी अध्यक्ष मंडल के बुझा देलखिन। ओहिठन आइ जे छै जे 3 बजे से अध्यक्ष मंडल के बैठक छै और ओ जे छै अहाँके विधान के और घोषणा पत्र के सबके कड़ा प्रति देखिए एकता कड़ा प्रति जना केन्द्र में कलकै एकता केन्द्र में एक बात अल्ली भावनात्मक अल्ली अर्पण समर्पण दर्पण 3 बात कलकै ने अ 3 बात पर केन्द्र में एकता भेलै वह 3 बात के हम सब कहो लागू करय चाहे छी लाबय चाहे छी। अब जिला अध्यक्ष सब में मैंने विगत के जे सब बड़े भाषण में कहबे करिए सब इनका सब में अपना अपना में अपना अपना से अध्यक्ष कहबे छे लेकिन एकता हुआ पड़ते जनता के मांग है प्रदेश के जनता के मांग है एक भक अहाँ सब आओ तब हम सब अहाँ सबके सहयोग करब। पार्टी केंद्रीय कार्यालय से जिला जिला में संयोजक तोक निर्देशन अला से संयोजक तोक के लिए बैसल बैसार में 26 पार्टी के जिला अध्यक्ष सब दावी कला के बाद विवाद उत्पन्न भेल। संयोजक में परमेश्वर शाह आ संजय सिंह के व्यापक दावी रहल बताओल जा रहा है।
उम्हर बाकी चारिटा पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष सब समेत एखन राजपा के जिला संयोजक अर्थात धनुषा संयोजक अपना पावा परबाक दावी नहीं छोड़ने अछि। हमरा सबके देखो कि है राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के हमरा सबके केन्द्र के अथी आयल शेड्यूल से कम से कम अपना अपना जिला में संयोजक चयन करा लगे हम सब छबो अध्यक्ष बैठलिए बैठला के बाद हमरा सब में बैठले तो सबके इच्छा हुई हम संयोजक बनी बनला के बाद हम सब बैठ के गप सब लेकिन ठीक है हल्का विवाद भले से हम बनब तक बाद में विवाद लगभग चल तक बाद दू चार दिन बैठले बैठला के बाद में अभी नहीं भले तक बाद मोटरसाइकिल जुलूस वाला बात मोटरसाइकिल जुलूस में बहुत केंद्र से कथी रह जिला जिला गाँव गाँव में मोटरसाइकिल जुलूस लगभग के लगी तो काल खुमा अहाँ के त्रुटि भले राजा पा के कनिका हल्का त्रुटि भले केंद्र में गाँव गाँव में से महेंद्र नगर जदू कहा अहाँ के अपने के और ही तिनकोरिया सब में लगल के गाँव गाँव के तक बाद महेंद्र नगर लगे तक बाद कुछ त्रुटि ओनाहु तो मधेश केन्द्रित दल सब जल्दी फूटत बात नेपाल के पहाड़ में मात्र नहीं मधेश में समेत चर्चा में रह वाला विषय बनत एखन छह पार्टी के एकता से किछ हद धरि मधेशी जनता में सकारात्मक प्रभाव पड़ित जा रहल छल जाहिसँ संविधान संशोधन आगामी चुनाव में समेत राजपा के किछ हद धरि फायदा पहुँचत विश्लेषक सब बताबे रहल समय जिला में उत्पन्न होब जा रहल एहन विवाद से राजपा के फायदा नहीं बल्कि घाटा हैत हुनका सबके कहब छलनि तैं विवाद के साम्य क के संशोधन आ चुनाव के मात्र वर्तमान अवस्था में प्राथमिकता में रखला पर राजपा के लिए बुद्धिमानी हैत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। व्यवस्थापिका संसद के अधिवेशन बृहस्पति दिन अंत करबाक सरकार तैयारी कलक मुदा अधिवेशन अंत के बाद प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार के विरुद्ध दर्ता भेल महाभियोग के की हैत प्रश्न उठ गेल अछि। प्रधानमंत्री निकट स्रोत के अनुसार बृहस्पति दिने संसद अधिवेशन सम्पन्न करबाक समझदारी भऽ गेल अछि। सभामुख प्रधानमंत्री संग परामर्श क के अधिवेशन अंत करबाक लेल राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करय के व्यवस्था अछि। संसद अधिवेशन अंत करब आ आगामी बैठक कहिया राखब विषय में गृह काज करब बृहस्पति भोर में मंत्री परिषद बैसार बैस रहल अछि। संसद अधिवेशन अंत करय जकाँ तैयारी भऽ रहल समय संसद में विचाराधीन महाभियोग के भविष्य की हैत असमंजसता देखल गेल अछि। संसद के एकटा अधिवेशन में विचाराधीन विधेयक सब दोसर अधिवेशन में स्वतः जाइत अछि मुदा प्रस्ताव सब स्वतः निष्क्रिय भ जाइत अछि। कार्य के विरुद्ध के महाभियोग के भविष्य की हैत एखन असमंजसता देखल जा रहल अछि। महाभियोग अगाड़ी नहीं बढ़ाब सर्वोच्च अंतरिम आदेश दऽ देने अछि आ दल दर्ता करय वाला दल कांग्रेस आ माओवादी तत्काल फिरता लेबक के मूड में नहीं देखल जा रहल अछि। प्रधान न्यायाधीश कार्य के सर्वोच्च के आदेश के बाद काम में समेत घुरि गेल अछि आ एखन धरि मुद्दा नहीं देखने छथिन। वो जेठ 24 के अवकाश पाबि रहल छथिन। कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र कार्य के अवकाश नहीं पाबि धरि महाभियोग फिरता लेब के पक्ष में नहीं देखल जा रहल अछि। संसद के बजट अधिवेशन जेठ के दोसर सप्ताह बजाबक के सरकार तैयारी कलक अछि। बजट 15 गति में लाभ प्रभाक संवैधानिक व्यवस्था भेला सँ बजट अधिवेशन बजाब लागल अछि। प्रधानमंत्री प्रचंड बजट अधिवेशन से आगू संसद के संबोधन कऽ पद से राजीनामा देबाक आ काम चलाव सरकार चुनाव के असर नहीं करय जकाँ बजट लेबाक स्रोत बतौलक अछि। नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र जकाँ एमाले दाउपेच के राजनीति नहीं करत धारणा रखलक अछि। 24 मदन आश्रित स्मृति दिवस के अवसर में मदन नगर बल्को स्थित एमाले के पुरान पार्टी कार्यालय में बुध दिन आयोजित कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष ओली अन्य दल जकाँ साम्प्रदायिक सद्भाव भड़काव वाला अहिंसा के पक्ष में एमाले काम नहीं करत धारणा रखने अछि। बुवा चाहिँ होइन देशलाई कुन निर्दिष्ट दिशामा लानुपर्छ भन्ने ठहर गरेर त्यस दिशामा लाने अर्थात् साम्प्रदायिक कुरा गरेर हिँड्ने साम्प्रदायिक सद्भाव बिथल्ने कुरा गरेर हिँड्ने एकछिनका स्वार्थ अलिकति मान्छेहरूका तालिका पछाडि कुद्ने यस्ता दाउपेचको राजनीति होइन देशका निम्ति जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने काम नेकपा एमाले गर्छ। हामी हिंसाको पक्षमा छैनौँ। हिंसावादीहरू उल्टै ठुला कुरा गर्छ। हामीले जनताका बिचमा हाम्रा विचारहरू शान्तिको औचित्य आवश्यकता शान्तिको महत्त्व अझ बढ्ता लिएर जानुपर्छ।
नेता के चुनाव के क्रम में विभिन्न स्थान में सर्वसाधारण सब के आतंकित करक के घटना भेल कहित हो परिवारजन के जिताब के लिए एमाले के जीत नहीं भेल कहित कांग्रेस आ माओवादी केंद्र के व्यंग कलने जनता के बहुदलीय जनवादी नाम के विचार में संगठित भेल मजबूत पार्टी एमाले रहला से देश बनाब के लिए एमाले जीतब प्रभाव हुनक कहब छलन राज के नमहर शक्ति लगला के कारण दासढुंगा कांड आ दरबार कांड के थार बाहर आब नहीं सकल कहित हो समय अंतराल में दोनों घटना के सत्य तथ्य बाहर ले भाग बतौलन कसले जिम्मा लिन्छ कसले के गर्छ यो सबै पनि धेरै तालमेल हो त्यो पपेट हुन्छ नि पुतली नचाउनेहरूले एउटै हमलाबाट तार बाँधेको हुन्छ त्यो चलाउँदाखेरि कुन चाहिँ तार कति बेर कुन चाहिँ पपेटलाई नचाउने हो त्यो हमला चलाइदिने हो त्यो तारबाट त्यो पुतली नाच्छ अखबारले मजाले लेख्छ 40 करोडको सेटिङ मिल्यो 7 गतेभित्र यतिवटा लाइसेन्स दिँदैछ अस्ति विरोध भयो त्यसकारण केही दिन आचार संहिताले गर्दा रोकियो अब यति दिनभित्र दिइन्छ लासरम केही पनि छैन अचम्म के भने तिनका कार्यकर्ताले यसो मञ्चमा पुग्दा गर्दा माला पनि लगाइदिएकै छन् फेरि अचम्मै लाग्छ यसबाट देशलाई बचाउने काम नेकपा एमाले गर्नुपर्छ नेकपा एमाले गर्न सक्छ किनभने जनताको बहुदलीय जनवाद नामको विचार त्यसमा संगठित भएको संगठन मजबुत संगठन हामी सक्छ नेकपा मालिक तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित के 2050 साल जेठ 3 गते उसके दिन चितवन के दासढुंगा दुर्घटना में पड़कर निधन भेल छल पार्टी के कार्यक्रम सम्पन्न कर पोखरा से गाड़ी में चितवन दिस जा रहल समय भण्डारी आ आश्रित चढ़ल गाड़ी त्रिशूली नदी में खसल छल प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्य के विरुद्ध के महाभियोग फिरता तथा पछिलका समझौता कार्यान्वयन के लिए सरकार के जेठ 10 गते धरि के अल्टीमेटम देने चिकित्सा शास्त्र क्षेत्र में देखल गेल अनियमितता भ्रष्टाचार विरुद्ध निरंतर दबाव दैत आयल डॉक्टर केसी जेठ 9 गते भीतर अपन मांग पूरा कर सरकार के अल्टीमेटम देने बहुदिन त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल परिसर में पत्रकार सम्मेलन करते डॉक्टर केसी विगत में भेल समझौता कार्यान्वयन के साथे प्रधान न्यायाधीश कार के विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव फिरता नहीं लेल गेल त जेठ 10 गते से पुनः सत्याग्रह आंदोलन में उतरबाक चेतावनी दिलाए गठन गरिने भनेको समितिहरूको गठन र न्यायिक आयोगको पुनर्गठन जस्ता साधारण सम्झौताहरू 6 महिना बित्त समेत गरिएको छैन हामीले दिएका सबै सुझावहरू समेटेर एकीकृत चिकित्सा शिक्षा विधेयक तुरन्त पारित गर्ने र गत 10औं सत्याग्रहमा गरिएका अरू सबै सम्झौताहरू तुरन्त कार्यान्वयन गर्ने प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तुरन्त फिर्ता गर्ने मागहरू पुराना सम्झौताहरू 2074 जेठ 9 गतेसम्म पूरा तथा कार्यान्वयन नभएमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ देशमै सुशासन के सुनिश्चितता करबाक दायित्व बोक्ने राजनैतिक दल नेता आ व्यवस्थापिका आ कार्यपालिका प्रतिनिधि सब भ्रष्टाचार आ लूटतंत्र में लागल कहित डॉक्टर केसी आपके सत्याग्रह न्यायालय भीतर होबा लागल राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध होबाक स्पष्ट कलन डॉक्टर केसी व्यवस्थापिका आ कार्यपालिका मिलकर न्यायपालिका पर प्रहार करने के काम कर रहल कहित ओकरा समय में नहीं रोकल गेल त देश चरम दंडहीनता आ अराजकता में धकला जात धारणा रखने पछि गरेर त्यसै गरी पार्टीको चाकरी गर्दै आउँ र उनीहरूले गरेको चाहिँ लुटतन्त्रमा चाहिँ के अरे कुनै के अरे आपत्ति के अरे विनय मौलियोस् भन्ने त्यो उल्लेख हो र अर्को कुरो चाहिँ यसले रोन दियो भने कि अर्कोचोटि कोही आउँछ के अरे प्रधान न्यायाधीश होला न्यायाधीश होला के भन्छ उ त डराउँछ विधि विधानको लागि चाहिँ के अरे उनीहरूले फैसला गर्नु साथ के गर्छन् भनेदेखि नेताहरूले पार्टीहरूले के भन्छ त्यही आउँछ चल्छ किनभनेदेखि नत्र त फेरि महाभियोग प्रसङ्गलाई उता महाभियोग लगाएर हटाइदिन्छन् राजनीति त्यो पछि परराष्ट्र अध्ययन सम्बन्धी विज्ञ सब पड़ोसी देशसँग सफल परराष्ट्र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करक लेल तत्काल परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान के पुनर्संरचना करय पड़बाक सुझाव देलक अछि डॉक्टर दिनेश भट्टराई के संयोजकत्व में गठित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पुनर्संरचना कार्यदल अपन अध्ययन प्रतिवेदन परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत के बुझबैत
तत्काल प्रतिष्ठान पुनर् संरचना करना सुझाव देने मुहिद्दीन सिंह दरबार स्थित मंत्रालय परिसर में अध्ययन प्रतिवेदन बुझबैत कार्यदल पड़ोसी देश के विदेश नीति नेपाल में पड़े वाला प्रभाव अध्ययन जनशक्ति राख प्रभाग संघीय संरचना में समेत परराष्ट्र नीति केन्द्र में रहत ताई हेतु वही अनुसार सुदृढ़ कर प्रभाग लगायत के सुझाव देल गेल छ। चीन र भारत हेर्ने गरी त्यस्तै किसिमले अरू त्यहाँ मात्रै हाम्रो चाहिँ अन्त हुँदैन। हाम्रो चाहिँ मल्टिल्याटरलिजम उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो अरू अरू विश्व शक्तिहरू छ, हाम्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र छ। यी सबै मेन हामीले पाँचवटा ऊ क्याटेगोरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। त्यसमा कमसेकम फुल टाइम चाहिँ रिसर्च अफिसरहरू त्यो त्यहाँ हुने घटनाक्रमहरूलाई मोनिटर गरेर अनि मन्त्रीजीलाई डेली बेसिसमा फरेन पोलिसी इनपुट र इन्साइट दिने किसिमको प्रथा तुरुन्त सुरु गर्नुहोस्। सङ्घीय संरचनामा परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ केन्द्रकै ऊ हो, जुरिस्ट्रिक्सनमा पर्छ। त्यसकारण चाहिँ कति पनि बेर नगरिकन यो संस्थालाई अनि चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुदृढ गर्ने कामहरू तपाईँहरूले तुरन्त गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो पनि सुझाव गरेका छौँ। प्रतिवेदन बुझैत परराष्ट्र मन्त्री महत प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका परराष्ट्र कूटनीतिक मामिलामा आवश्यक सल्लाह सुझाव देव सक जका प्रतिष्ठानकै थिङ्क ट्याङ्कके रूपमा विस्तार कयल जबाक धारणा राख्ने छलथि। ट्रेनिङदेखि लिएर जति पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेश सम्बन्ध सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्छ, ती इम्पुट चाहिएको बेला चाहिँ दिन सक्ने त्यस्तो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ संस्थाको प्रतिष्ठानको हामीलाई आवश्यकता छ। त्यही दृष्टिकोणले वास्तवमा यसको स्थापना पनि भएको हो। तर दुर्भाग्यवश जुन खाले गम्भीरता यो इन्स्टिट्युसनलाई हामी सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्ने र त्यो इन्स्टिट्युसन आफैले पनि त्यो सोचका साथ काम गर्नुपर्ने। प्रतिष्ठान के सक्षम कूटनीतिक जनशक्ति उत्पादन करे के क्षमता भेल स्रोत आ साधन प्रविधि सम्पन्न बनेबाक उद्देश्य के साथ पुनर्संरचना करक लेल कहित सरकार पुस में पुनर्संरचना कार्यदल गठन केने छल। कार्यदल के 4 महीना के समय देल गेल छल। दीर्घकालीन विकास लक्ष्य सम्बन्धी जनकपुर में एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भेल अछि। प्रदेश स्तरीय भेल ओहि गोष्ठी में देश के पूर्वाधार विकास के लेल अपनाव परवला उपाय ओकर चुनौती आ समाधान के उपाय सबके विषय में सहभागी सब राय सुझाव संकलन कयल गेल छल। सहभागी सब ठोस योजना तथा कार्य नीति के साथ अगाड़ी बढ़ प्रभाग में जोर देने छलथि। साथ ही लगानीकर्ता सब बीच प्रतिस्पर्धा क्षमता के विकास के लिए समेत कदम उठाव प्रभाग सहभागी सब धारणा रखने छलथि। नेपाल दीर्घकालीन विकास के क्षेत्र में खासे प्रगति कर नहीं सकल प्रति वो सब उपराग व्यक्त कयने छलथि। नेपाली कांग्रेस के सांसद चित्रलेखा यादव के सभापतित्व में सम्पन्न भेल गोष्ठी में राष्ट्रीय योजना आयोग के निर्देशक लोकनाथ भूषाल दीर्घकालीन विकास लक्ष्य नेपाल के ने प्रगति संबंधी विवरण प्रस्तुत केने छलथि। कार्यक्रम में धनसाक स्थानीय विकास अधिकारी सनत बहादुर सुनार स्वागत मंतव्य रखने छला। वातावरण संसदीय संरक्षण समिति के सचिव सूरज कुमार कार्यक्रम के संचालन केने छलथि। नेपाल में पहिल बेर ब्रेन डेथ वेल व्यक्ति सँ सफल किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल अछि। निर्वाचन प्रचार प्रसार के क्रम में खांगसांग आठ सिंधुली के 30 वर्षीय गोविंद बहादुर भुजेल के दुर्घटना में ब्रेन डेथ भेलाक बाद हुनक अंग दू गोटे में प्रत्यारोपण कयल गेल अछि। भक्तपुर स्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र बैसाख 28 के दुर्घटना में निधन भेल भुजेल के किडनी सुनसरी के 51 वर्षीय गोविंद तिमिल सिन्हा आ लाजिमपाट के 15 वर्षीय मिलन श्रेष्ठ ऊपर वही दिन रात में प्रत्यारोपण कलक केन्द्र रात में 1 बजे से 4 बजे धरि लगाकर किडनी प्रत्यारोपण के लिए जनौलक ब्रेन डेथ मृगुला प्रत्यारोपण में मिलल सफलता के विषय में जानकारी देव बुध दिन आयोजना कल गए पत्रकार सम्मेलन में किडनी प्रत्यारोपण केन्द्र के प्रमुख डॉक्टर पुकार चंद्र श्रेष्ठ चिकित्सा विज्ञान में कठिन मानल गेल ब्रेन डेथ भेला सब से निकालल गेल अंग प्रत्यारोपण में मिलल सफलता से कल के दिन में कोनो समेत नेपाली अंग नहीं पाबिकर मर के अवस्था के अंत करबाक धारणा रखने छलथि। ओ ब्रेन डेथ भेला सब के किडनी से मात्र प्रत्यारोपण कयल गेल कहल गेल रहितु नेपाल में प्रत्येक वर्ष 2000 आदमी सब अकाल में मृत्यु आब होबने प्रभाग धारणा समेत रखने छलथि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। स्थानीय तह पहिल चरण के चुनाव अंतर्गत के मतगणना जारी, मत परिणाम एबाक क्रम जारी, माले के अग्रता कायम है।
नेपाली कांग्रेस दोसर माओवादी केन्द्र तेसर। मतगणना में भ रहा देरी प्रति आम मतदाता सब में आक्रोश, देरी भेनाय में निर्वाचन आयोग के गैर जिम्मेवारी बन रहा टिप्पणी। बदरमत के अनुपात बढ़नाय में आयोग मात्रे दोषी नहीं रहा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोध्य प्रसाद यादव के दावी। आगामी चुनाव घुसकाय व प्रभाक राजपाक नेता सबके ने प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अस्वीकार, संशोधन स्थानीय तब बढ़ाव प्रभाक राजपाक के ध्यानाकर्षण। आ 70 घटना के मृतक सबके शहीद घोषणा कायल गेल, प्रति परिवार 10 लाख रुपया वितरण। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब, नमस्कार।